सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। आज के इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, वो है बिटकॉइन प्राइस प्रिडिक्शन। क्योंकि बिटकॉइन एट द एंड ऑफ दिस बुल रन कहाँ तक जा सकता है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के इस वीडियो में उसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि बिटकॉइन का अपकमिंग टारगेट्स, क्योंकि देखिए बिटकॉइन अगर जितना हायर जाएगा उतना ही ज्यादा चांस रहेगा कि जो अदर क्रिप्टो से यानी जो अल्टकॉइन से वो उसके उतने ही ज्यादा हायर जा सकती है। तो एक रियलिस्टिक टारगेट एज पर टेक्निकल प्लस प्रीवियस डाटा हिस्ट्री के बेस पर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बिटकॉइन इस बुल रन के अंदर यानी 2025 में कहां तक जा सकता है, प्लस ये बुल रन कब एड होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है सभी लोगों के लिए, ये बुल रन कब तक चलेगा उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए बॉटम अगर मैंने आपको एग्जैक्टली प्रिडिक्ट किया हो, राइट, ऑलमोस्ट एक साल पहले का ये वीडियो है जहां पर आपको मैंने बताया था कि बिटकॉइन बॉटम कंफर्म, और एग्जैक्टली मार्केट ने उसी टाइम बॉटम कंफर्म किया था, उसके बाद से मार्केट कभी उसके बिलो नहीं गया है, राइट है। तो ये मेरा फर्ज है कि आपको मैं एक प्रॉपर नॉलेज दूं कि बिटकॉइन का टॉप कहां पर बन सकता है। सेकंड चीज गाइस, अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई इतना ही बोलूंगा, अगर आप पैसा नहीं कमाना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन ना करो, लेकिन अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करो, क्योंकि यहां पर हम शेयर करते हैं बहुत सारे सिग्नल्स, वो सिग्नल्स जो आपको देते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट। ये देखो CHR का सिग्नल्स यहाँ पर दिया गया था, अच्छा खासा 23% का प्रॉफिट यहाँ पर मिला है। उसके अलावा लगातार सिग्नल्स यहाँ पर दिए जाते हैं और उसका बेनिफिट आप यहां पर उठा सकते हो। ओके, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, जाकर तुरंत ज्वाइन करो। और गाइस जैसा आपने लास्ट वीडियो में ऑलमोस्ट 300 लाइक से करीब हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, उम्मीद करूंगा इस वाले वीडियो में भी आप एटलीस्ट 300 लाइक्स तक वीडियो को लेकर जाएंगे। ओके, नाउ मूव टू टॉपिक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एग्जैक्टली क्या होने वाला है। देखिए यहां पर मैं आपको मंथली चार्ट बता देता हूँ, जो मैंने वीडियो की बात किया हो ना, जो वीडियो हमने ये वाला अपलोड की जिसको एक साल हो गया है ऑलमोस्ट, इस वीडियो को जो हमने अपलोड किए थे वो था ये वाला कैंडल, जो जनवरी का जो कैंडल था, यहाँ पर बेसिकली हमने एंट्री किया है एग्जैक्टली एग्जैक्टली 16,300। ओके, इसको थोड़ा कट कर देते हैं, एग्जैक्टली 16,300 के आसपास हमारा एंट्री हुआ है। और अगर हम उस रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करें तो अभी के वक्त में बिटकॉइन के अंदर ऑलमोस्ट हम 150% के प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई बिटकॉइन का टॉप कहां तक बन सकता है या बिटकॉइन अपना बुल रन कहां पर एंड करेगा। मैं एक चीज आपको ऐड करना भूल गया कि ये वीडियो बड़ी बनेंगे भाई, जो लोग कमेंट करते हैं ना सर वीडियो बहुत बड़ी बनी है, छोटी वीडियो बनाओ, तो भाई मेरा काम है आपको नॉलेज देना और मेरा काम है आपको सही नॉलेज देना। तो अगर आपको सही नॉलेज चाहिए उसके लिए वीडियो लेंथी बनेगी, तो आपको वीडियो पूरी देखना है। ओके, तो राइट, मैं इसीलिए कह रहा था बॉटम तो हमने परफेक्टली प्रिडिक्ट कर दिया है, अभी हमको टॉप को प्रिडिक्ट करना है, क्योंकि सही टाइम पर अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं हम जाकर बड़ा नुकसान झेल सकते हैं। तो बिटकॉइन के टॉप को समझने से पहले या उन चीजों पे समझने से पहले हमको थोड़ा सा हिस्ट्री पे हमको फोकस करना होगा कि मार्केट अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कैसा मूवमेंट करता है। क्योंकि देखिए दो सिनेरियो से, एक परसेंटेज वाइज अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करने की कोशिश करें कि भाई पिछले ऑल टाइम हाई से मार्केट ने जो ऑल टाइम हाई बनाया था उसमें कितना परसेंट गया था, और उसके बाद का जो ऑल टाइम हाई बना था उसके अंदर मार्केट ने कितना परसेंट का रिटर्न दिया। अगर हम इस रेशियो को भी कैलकुलेट करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने इस हाई से लेकर जो न्यू 17 यानी 2017 में जो ऑल टाइम हाई प्राइस क्रिएट किया था वहां पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 1600% का मार्केट हाई गया था। लेकिन 2017 के ऑल टाइम हाई से के बाद से लेकर जो हमारा 2021 का बुल रन था उसके अंदर जो मार्केट ने टॉप किया था वहां पर सिर्फ 248% का टॉप किया था। तो अभी हम क्या बेस पर कैलकुलेशन करें कि भाई मार्केट इस करंट बुल साइकिल के अंदर कहां तक जा सकता है, क्योंकि अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर रहे तो वो तो कोई मैच नहीं कर रहे, राइट है। मार्केट में हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हिस्ट्री के बेस पर आपको बहुत सी चीजें समझ में आती है, राइट है। तो अभी के वक्त में मैं आपको प्राइस टारगेट के बजाय मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, प्राइस टारगेट भी मैं आपको देने वाला हूँ उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्राइस टारगेट के साथ मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि बिटकॉइन का टॉप कौन से मंथ में बनेगा या
बिटकॉइन का बुल रन कब बेसिकली एंड होने वाला है। अरे ये बात समझ में, बट उसके पहले हमको यहां पर ये समझ रहा हूं कि मार्केट ने एक्चुअल हिस्ट्री को क्या फॉलो किया। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं इस हाई से लेकर बॉटम को बेसिकली अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए मैं मानता हूँ कि भाई मार्केट ने एग्जैक्टली जो हाई प्राइस क्रिएट किया था वो था आपका यहाँ पर, और मार्केट का बॉटम कहाँ पर है, ये वाली कैंडल। बॉटम का मतलब ये होता है कि ऐसा प्राइस जिसके बिलो, ओके ये वाला नहीं, ये वाला कैंडल, बोथ प्राइस आर सेम, ओके। बॉटम मतलब कि भाई यहाँ से मार्केट ने दोबारा इसके लो नहीं गया था, राइट है, उसके बाद मार्केट हाई गया था, उसको बॉटम कहते हैं। तो इस वाले कैंडल से लेकर इस वाले कैंडल तक जो ड्यूरेशन है वो है ऑलमोस्ट 3 96 डेज का, ओके। थोड़ा सा बैक आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, ठीक है। इस परेंदो कितना है याद रखो, 396 डेज। अब आ जाते हैं इस टॉप से लेकर इस वाले बॉटम, यानी जो 2018 का बॉटम बना था उसमें बेसिकली हमको देखने को मिला है कि मार्केट ने यहां पर 396 डेज है और यहां पर 365 डेज, ज्यादा फर्क नहीं है, एक मंथ की कैंडल का बेसिकली यहां पर फर्क है। अब आ जाते हैं यहां पर अगर हम गौर करें तो मार्केट ने टॉप जो कैंडल क्रिएट किया था उसको हम टॉप वाली कैंडल मानेंगे। तो यहां पर आप थोड़ा सा गौर करो, ये वाली कैंडल जो बनी है इसका टॉप बेसिकली जो क्लोजिंग था इसका वो था नियरेस्ट 64,000, लेकिन यहां पर ये जो रेड कैंडल बनी है इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो है तकरीबन 68,000, जो कि सबसे हाईएस्ट प्राइस है। तो यहां से जो हम टॉप कैलकुलेट करेंगे कैंडल से वो इस वाली कैंडल से कैलकुलेट करेंगे। अरे ये बात समझ में, इस कैंडल से लेकर बॉटम कौन सा है, ये वाली कैंडल तक है, राइट, क्योंकि मार्केट इसके बाद बिल्कुल भी उसके नीचे नहीं किया है। तो ऑलमोस्ट यहां पर देखेंगे तो ये हमको देखने को मिल रहा है 365 डेज। अभी आ जाते हैं बेसिकली जो फर्स्ट मार्केट का मार्केट ने बियर मार्केट चलाया था वो तकरीबन 396 डेज तक चला था, दूसरा बियर मार्केट 365 डेज तक चला था, और थर्ड बियर मार्केट बेसिकली 365 डेज तक चला है, ये हमको प्रूफ हो चुका है। इसका मतलब क्या हो कि यहाँ पर मार्केट कोशिश कर रहा है कि जो पिछले वक्त का जो बेसिकली बियर मार्केट था उसको कंपेयर कर दे, क्योंकि यहाँ पर 396 डेज है, यहाँ एक साल पूरा लगा है और यहाँ पर भी एग्जैक्टली 365 के डेज तकरीबन यहाँ पर लगे हैं। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि मार्केट ने डाउन ट्रेंड जो फॉलो किया है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से ही फॉलो किया है। अब आ जाते हैं बेसिकली उस फेस के ऊपर जहां पर हमको ये समझना है कि भाई एग्जैक्टली हालविंग कब आने वाली है, क्योंकि हालविंग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बिटकॉइन बेसिकली अगर बात किया जाए, ठीक है, इस क्योंकि हालविंग के बेस पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन यहाँ पर होने वाले हैं। नंबर वन, यहाँ पर एक वेबसाइट है बाय बिटकॉइंस, क्या है बाय बिटकॉइन वर्ल्ड वाइड .com, ठीक है। और मैं अगर आपको बताऊँ तो आने वाली हालविंग अभी 2024 में जो है वो उसके लिए तकरीबन 125 डेज यहाँ पर मैक्स टू मैक्स रिमेनिंग है, जिसका एक्सपेक्टेशन है, एस्टिमेशन है कि भाई तकरीबन अप्रैल 17, 2024 को जो तो बिटकॉइन हालविंग है तो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर पूरा हिस्ट्री दिया गया है उसके बारे में, और मेनली मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट सिर्फ डेट्स हैं कि भाई कौन सी डेट्स को हालविंग हुई है। नंबर वन, जो बिटकॉइन की हालविंग हुई थी 2012 में हुई थी, नवंबर 2012, लेकिन यहाँ पर उतना पुराना चार्ट नहीं है, हम उसको स्कीप करते हैं। जो अगली हालविंग थी जुलाई 2016 को हुई थी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 2020 में मई 11, 2020 में हुई थी, और जो अपकमिंग हालविंग है बेसिकली वो अप्रैल 2024 में होने वाली है, ऐसा एस्टिमेशन कैलकुलेशन है, क्योंकि ब्लॉक आगे पीछे हो जाते हैं। अब फटाफट यहाँ पर पहले हम ये लगा देते कि भाई एग्जैक्टली हालविंग कब कब आ रही है। नंबर वन हालविंग बेसिकली जो है वो है नवंबर 2012 के करीब, तो मैं 12 तो छोड़ देता हूँ, 16 वाला लेना है जो कि जुलाई 2016 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये इसको हमने हाईलाइट कर दिया, ओके। नेक्स्ट हालविंग कौन सा है वो देखते हैं। नेक्स्ट हालविंग हमारा बेसिकली हुआ है ऑलमोस्ट मई 2020 के अंदर, ये मई 2020 के अंदर, ये नीचे दिख रहे हैं आपको डेट, यहाँ पर डेट आ रही है, राइट, मई 2020 और जुलाई 2016। मैंने मंथ और ईयर लिया हूँ, डेज को नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि डेज से ज्यादा फर्क नहीं। एक अगर आप इसमें कॉमन चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो वो ये है कि हालविंग के बाद से मार्केट कंटिन्यू अप रैली किया है, हालविंग के बाद से मार्केट अप रैली की, सारी बात समझ में। मतलब एक्चुअल जो बुलरन में तो हम ऑलरेडी उस टाइम एंटर कर चुके हैं जब मार्केट ने बॉटम किया था, राइट है, तो यहां पर ये यह हमारे बॉटम वाले फेस थे, लेकिन जो एक्चुअल मेजर मूव स्टार्ट होगा वो हालविंग के बाद होगा। अगला हालविंग कब है, कभी मैं आपको मार्क कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसानी हो जाए, ओके। तो
ये अगस्त और ये अप्रैल, या आगे देखो ये अप्रैल 2024 इतना नीचे डेट, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट पूरे हालविंग का डेटा यहाँ पर हमने पुट कर दिया है, जो प्रीवियस हालविंग है वो भी और जो अपकमिंग हालविंग है उसके बारे में भी, राइट है। अब इसके अंदर कॉमन चीज क्या है, एक तो बियर मार्केट बिल्कुल सिमिलर टाइम में बन रहा है, राइट है। दूसरा हम ये कैलकुलेट करते हैं कि बॉटम से लेकर टॉप तक क्या मार्केट सिमिलर करता है, देख लेते हैं। ये बॉटम वाला था, यहां से जाते हैं ये वाली टॉप वाली कैंडल, इतने हैं ऑलमोस्ट 1065 डेज। यहाँ पर वो बॉटम वाली कैंडल पे अभी हम आ चुके हैं, यहां से जाते हैं टॉप वाली कैंडल पे, यहां पर भी है 1066 डेज। आप देख रहे हो कितनी ज्यादा एक्यूरेट यहाँ पर कैंडल्स बन रही है, सिर्फ एक दिन का फर्क है, ओनली 1 डेज का। अरे ये बात समझ में, यहाँ पर है 1065 डेज, यहाँ पर है 1066 डेज। इसका मतलब क्या है, जब मार्केट का जो टाइमिंग है बॉटम बनाने का वो भी सिमिलर अभी तक चल रहा है, मार्केट का जो टाइमिंग है टॉप बनाने का वो भी एग्जैक्टली सिमिलर जा रहा है। तो अभी आने वाला का जो टॉप टॉप रहेगा, ओके मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। ये है बेसिकली हमारा बॉटम वाला कैंडल, यहां से कितना 1066 या 65, जो भी राउंड फिगर के लेना है तो ले सकते हैं, 1065 हम ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हमको एक चीज ये निकल कर आई है कि भाई जो बिटकॉइन का बेसिकली टॉप बनने वाला है तकरीबन अक्टूबर 2025 के अंदर। अब ये मैं आपको इतना एक्यूरेट क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको मेरे कुछ पर्सनल नॉलेज से नहीं कह रहा हूँ, ना ही मेरे कोई पर्सनल एजम्पशन से कह रहा हूँ, ये जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री आपके सामने ही है। आपको दोबारा बता देता हूँ, मार्केट ने बॉटम और टॉप का ड्यूरेशन, ये बॉटम का ड्यूरेशन है 396 डेज, ये टॉप से बॉटम का ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट 365 डेज, और ये टॉप से बॉटम का ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट कितना हो रही है 365 डेज। आ रही है बात समझ में, बिल्कुल सिमिलर, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। बाकी बॉटम से टॉप का डेटा देख लो तो 1065 डेज, बॉटम से टॉप का डेटा देख लो तो 1066 डेज यहां पर बंद रहे। तो मतलब ये है कि जो हिस्ट्री मार्केट के अंदर रिपीट हो रही है, जो ड्यूरेशन ऑफ हिस्ट्री है वो बिल्कुल सिमिलर है, यानी जो टाइमिंग है मार्केट के अंदर वो बिल्कुल सिमिलर है। उसी टाइमिंग कैलकुलेशन के बेस पर मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, जहां पर मैंने कंफर्म भी लिखा था, आप अगर देखेंगे ये वाला वीडियो तो यहां पर मैंने लिखा होगा बिटकॉइन बॉटम कंफर्म, हियर इज 100% प्रूफ। इसका मतलब क्या है कि मैं बिल्कुल एश्योर था इस मामले में कि हाँ मार्केट बेसिकली बॉटम बनाएगा, और उसी के हिसाब से मार्केट ने एग्जैक्टली बॉटम बनाया था। उसी टाइम इन्वेस्टमेंट भी मैंने भी किया था और सभी को यूजर्स को भी बताया हो। तो एक चीज तो अभी हमको क्लियर हो चुकी है कि बिटकॉइन का जो टॉप बनने वाला है वो अक्टूबर 2025 में बनने वाला है। आ रही है बात समझ में, तो अभी ये जो बुल रन चलेगा ये तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये बुल रन अक्टूबर 2025 तक चलने वाला है, इसमें अभी कोई भी शक नहीं है। लेकिन अभी ये कैलकुलेशन का हमको करना है कि बिटकॉइन कहां तक जा सकता है। मैं थोड़ा सा इन चार्ट को डिलीट कर देता हूं ताकि थोड़ा सा हमको पिक्चर क्लियर दिखाई। एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि बिटकॉइन का बॉटम और बिटकॉइन का टॉप जो टाइमिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, अभी हमको ये कैलकुलेशन करना है कि मैं बिटकॉइन टॉप कहां पर बना सकता है प्राइस वैल्यू के हिसाब से। टाइमिंग तो पता चल गया कि भाई अक्टूबर के आसपास तुम टॉप बन जाएगा, उसके बाद मार्केट डंप होना स्टार्ट कर देगा, बियर मार्केट उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहां से अगर हम टॉप की कैलकुलेशन करें इस लेवल से लेकर इस लेवल तक, ये है ऑलमोस्ट कितना हो रहा है, ये 1600%, और इस लेवल से इस लेवल को कैलकुलेट करें जो पिछले बुल रन था, मतलब पिछले ऑल टाइम हाई के बाद से लेकर, तो वो बन रहा है तकरीबन 238%। तो परसेंटेज वाइज मार्केट ने सिमिलर रिटर्न नहीं दिया है। तो अभी हम क्या बेस पर, क्या रेशू पर अपना टारगेट लगा सकें, तो मैं इसमें आपको दो चीज कहना चाहूंगा कि आप बिटकॉइन को प्राइस के हिसाब से सोल्ड ना करो, यानी आप बिटकॉइन को टाइमिंग के हिसाब से सेल करने की कोशिश करो। जैसे कि आपको ये पता चल गया है कि अक्टूबर 2025 के अंदर मार्केट में बिटकॉइन का टॉप बना देगा, आ रही है बात समझ में, तो आप टाइमिंग के हिसाब से एग्जिट करने की कोशिश करो, ना कि प्राइस के हिसाब से। देखिए ये चीज मैंने आपको प्रीवियस बुल रन में भी समझाया था, जो ऑलरेडी हमारे ओल्ड यूजर्स है जो हमारी वीडियो लगातार वॉच कर रहे हैं, जो पिछले बुल रन में भी हमारे साथ थे, तो उनको मैंने ये चीज काफी अच्छे से समझाया था। एक तो मैंने टारगेट्स दिया था 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख के करीब, लेकिन वहां पर मैंने ये भी कहा था कि बिटकॉइन का टॉप आप टाइमिंग के हिसाब से कैलकुलेट करो तो वो बन चुका है।
और मार्केट ने एग्जैक्टली टाइमिंग के हिसाब से ही करेक्शन करना स्टार्ट किया। तो इस बुल रन के अंदर हम बिटकॉइन को प्राइस वैल्यूएशन के बेस पर एग्जिट नहीं करेंगे, बल्कि टाइम वैल्यूएशन के बेस पर एग्जिट करेंगे। सारी बात समझ में? यानी अक्टूबर 2025 में हम बिटकॉइन के अंदर से एग्जिट करने का प्लान करेंगे। सेकेंड चीज, अब ये तो हो गया, फिर भी आप में से काफी लोग बोलेंगे सर फिर भी एक हमको थोड़ा सा एक आइडिया तो कि भाई बिटकॉइन कितना हाई जा सकता है। तो देखिए, जैसे कि 2017 का बुल रन में बॉटम बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर था अभी के बॉटम से, तो मैं ये कैलकुलेशन करता हूँ कि जो इसमें ऑल टाइम हाई से लेकर मार्केट ने जो क्रिएट किया था, यानी जो 2017 का ऑल टाइम हाई था, उसके बाद से मार्केट कितना हाई गया था, तो ऑलमोस्ट 248% मार्केट हाई गया था। तो उस बेस पर मैं एक आपको एस्टिमेशन देता हूँ कि आप इसको 248% हो रहा है ना, का हाफ कर लो। एग्जैक्टली आप हाफ अगर कर लेंगे 248% का, तो वो होता है 124%। ये एक एस्टिमेशन प्राइस टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट इसके बिलो भी जा सकता है, उसके अबव भी जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसको 124% के रेशियो में लेके जाऊं, जो कि तकरीबन यहां पर ये देखो 123% यहां पर हो रहा है, ओके, इसी के आसपास है, तो यहां पर अगर आप प्राइस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1,55,000, राउंड फिगर के लिए मैं कहता हूं कि ये 1.5 लाख डॉलर के करीब जा सकता है इस बुल रन के अंदर। आ रही है बात समझ में? लेकिन ये सिर्फ एक रफ कैलकुलेशन है, क्योंकि बेसिकली परसेंटेज वाइज कोई क्लियर मार्केट में नहीं है कि हाँ मार्केट हर बुल रन में इतना परसेंटेज जाता है तो इतना मार्केट जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हम परसेंटेज वाइज एग्जिट नहीं करेंगे, हम टाइमिंग वाइज एग्जिट करेंगे। जैसे हमने टाइमिंग वाइज एंट्री किया ना, यहाँ पर एग्जैक्टली सही टाइम पर एंट्री किया था, लास्ट बुल रन में भी आसपास एंट्री मिली है, तो वैसे ही यहां पर भी हम टाइमिंग वाइज एग्जिट करेंगे। और टाइमिंग वाइज क्या है? अक्टूबर 2025। आ रही है बात समझ में? ये टाइमिंग में जो भी प्राइस चलेगा, चाहे उस टाइम प्राइस 60,000 चलो, 50,000 चलो, 40,000 चलो, 70,000 चलो, या 1 लाख के अबव चलो, जो भी प्राइस चलेगा उसके हिसाब से एग्जिट कर सकते हैं। अब बहुत से लोग इसमें भी सवाल उठाएंगे कि सर ये तो गलत हो जाएगा, अगर मार्केट मान के चलो टाइमिंग के पहले ही, यानी अक्टूबर 2025 के पहले अगर 1 लाख डॉलर चला जाता है, तो या 1.5 लाख डॉलर चला जाता है, तो क्या हमको एग्जिट करना चाहिए? तो मैं कहूंगा हाँ, अगर आपने बॉटम पे परचेस किया है, मतलब अगर आपने एग्जैक्टली जैसा हमने जनवरी में एंट्री किया, अगर आपने यहां पर एंट्री किया है और अगर मार्केट ऑलमोस्ट 1.5 लाख डॉलर के करीब जाता है, तो आपका ये 600 से 700 गुना का रिटर्न बन, 800 गुना रिटर्न बन रहा है। कोई मुश्किल नहीं है ना, आपने अगर ऑलरेडी बॉटम में परचेस किया है, आप एक ह्यूज प्रॉफिट में हो, उसमें कोई शक नहीं है। और अदरवाइज अगर आप चाहो टाइमिंग वाली साइकिल, जो कि मैंने लास्ट बुल रन में भी फॉलो की थी, और मैं चाहूंगा इस बुल रन में भी हम टाइमिंग वाली साइकिल को रिस्पेक्ट दें, ना कि प्राइस वाली साइकिल को रिस्पेक्ट। अरे ये बात समझ में? देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है। और अगर बिटकॉइन का ETF एक भूचाल लेकर आता है मार्केट के अंदर, डेफिनेटली 1.5 लाख मुझे कोई बड़ा प्राइस प्रेडिक्शन नहीं लगता है। वैसे तो एक्सपर्ट्स के भी मल्टीपल प्रेडिक्शंस यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक आपको मैं चार्ट एनालिसिस बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस हिस्ट्री के बेस पर। कोई अपना पर्सनल एजेंडा नहीं डाल रहा हूँ इसके अंदर, जो हिस्ट्री में हुआ है, जो पास हिस्ट्री में गुजर चुका है, उसके बेस पर आपको मैं कुछ कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। आप बहुत सारे लोग पूछेंगे सर क्या अभी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें? तो यार देखो, अभी के वक्त में बिटकॉइन 40,000 के करीब आ चुका है। अब अगर यहाँ से 1.5 लाख भी अगर मैं पकड़ता हूँ एग्जाम्पल के लिए, एजम्पशन है सिर्फ, तो तकरीबन 200% का रिटर्न बन रहा है। तो रिटर्न परस्पेक्टिव के हिसाब से बिटकॉइन में भी उतना ज्यादा रिटर्न नहीं बन रहा है, वो अलग चीज है कि बिटकॉइन में हम ट्रस्ट कर सकते हैं अदर अल्टकॉइन से ज्यादा। लेकिन अगर हमको रिटर्न चाहिए, ज्यादा रिटर्न चाहिए, क्योंकि बुल रन में लोग 10x, 50x, 30x का रिटर्न पाते हैं, तो अगर हमको उतना रिटर्न चाहिए, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप बिटकॉइन के अलावा इथेरियम, दूसरे जितने भी क्रिप्टोस है, टॉप क्रिप्टोस है, टॉप वर्किंग क्रिप्टोस है, उनमें आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हो। बाकी टाइमिंग तो निकल चुका है, जो सही टाइम इन्वेस्टमेंट का था वो था जनवरी के अंदर, ये आपने वो ट्रेंड मिस कर दी है। कोई लोग मुझे ये भी नहीं बोल सकते कि सर आपने हमको बोला नहीं, तो भाई ऑलरेडी वीडियो है, ये जाकर देख लो, डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैं क्या कर रहा हूँ और आपको क्या सजेशन दिया। तो गाइस ऑल ओवर वीडियो है, ठीक है, और उम्मीद करूँ आपको वीडियो प्रॉपरली समझ में आ चुकी है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह और भी अल्टकॉइंस के एग्जिट
यानी मार्केट कहाँ तक टॉप करेंगे अल्टकॉइंस के अंदर भी, उसके ऊपर भी वीडियोस बनाओ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करो आपके कॉइन का नाम, कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी मैं वीडियो कवर कर सकूँ। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो प्रॉपरली समझ में आ चुका है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड जय हिंद।